दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई क्राइम स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन केरल के एक दंपत्ति की कहानी इन सब से काफी अलग है। आरोप है कि सूरज नाम के आदमी ने अपनी पत्नी उत्तरा को कोबरा सांप से कटवाकर मारने की कोशिश की। दिखने में एक प्लेन स्टोरी दिखती है, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस को यह पता चलता है कि जिस वक्त सांप ने उत्तरा को काटा, उससे 2 महीने पहले भी एक सांप उत्तरा को काट चुका था और उत्तरा अभी ठीक होकर अपने माँ बाप के घर पर रिकवरी के लिए रह रही थी। सूरज के दोस्तों ने यह भी बताया कि कुछ समय पहले उत्तरा के सपने में एक नागिन आई थी जिसने उससे कहा था कि उसकी मौत सांप के काटने से ही होगी। तो खेल क्या है? क्या वाकई सूरज को फंसाया गया है? ये 2 सांपों का किस्सा क्या है और इस पूरे केस को पुलिस ने कैसे सॉल्व किया, हम सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब कहानी पर आते हैं। उत्तरा के साथ सांपों का कनेक्शन पुराना था। उत्तरा को सांप काटने से पहले भी एक बार अपने घर में सांप दिख चुका था जिसे सूरज ने ही घर से हटाया था। ये एक रसल वाइपर सांप था। यूं तो केरल में सांप दिखना एक आम सी बात है, इसीलिए पहले परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इसी दौरान सूरज ने अपने दोस्तों को यह बात भी बताई कि उत्तरा को सपने में नागिन दिखी है और कुछ दिन बाद उत्तरा को उसी रसल वाइपर सांप ने काट भी लिया। रात को जब परिवार वालों को ये बात पता चली तो वो जल्दी से अस्पताल भागे, लेकिन आईसीयू वाले अस्पताल को ढूंढने में उन्हें लगभग 2 घंटों का वक्त लग गया। आखिर में अस्पताल मिला और 3 सर्जरीज के बाद उत्तरा की जान डॉक्टर्स ने बचा ली। इसके बाद हॉस्पिटल से कुछ वक्त में ठीक होने के बाद उत्तरा अपने माँ बाप के घर चली गई और यहीं पर एक रात सूरज आया। सूरज और उत्तरा रात को कमरे में सो रहे थे और जब उत्तरा की माँ सुबह कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि उत्तरा का मुंह खुला हुआ है। उत्तरा के हाथ पर फिर से सांप के काटने के निशान देखने के बाद उसके माँ बाप ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और इस बीच उत्तरा की मौत हो गई। उत्तरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर में कोबरा का जहर और नशीली दवा पाई गई और यहाँ से पहली बार शक सूरज पर गया। सूरज ने इन सभी आरोपों का खंडन किया। अब पुलिस के पास भी कुछ सबूत नहीं था, साथ ही ये सब पैंडेमिक के दौरान ही घटित हो रहा था जिस लिहाज से जांच में काफी परेशानियां आई। केरला पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने कुछ चीजें नोटिस करना शुरू की। पहला बिंदु ये था कि आखिर सांप कमरे में आया कैसे। ये देखा गया कि उत्तरा का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, लेकिन दरवाजे के नीचे इतनी जगह नहीं थी कि सांप अंदर आ सके। जब खिड़की के मेजरमेंट्स लिए गए तो खिड़की जमीन से 62 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर थी, लेकिन एक कोबरा 50 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता। दूसरी चीज जो जांच में सामने आई वो ये थी कि हमला रात के वक्त हुआ था, जबकि रात के वक्त कोबरा शिकार नहीं करते। एनिमल एक्सपर्ट्स ने पुलिस को यह भी बताया कि कोबरा तब तक हमला नहीं करता है जब तक कि उसे उकसाया ना जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो जो उत्तरा के हाथ में काटने के निशान थे वो कुछ अजीब आए। सबसे पहले तो स्नेक बाइट के जो 2 दांत के निशान थे उनमें 2.3 से 2.8 सेंटीमीटर का फासला था, जबकि एक नॉर्मल कोबरा बाइट में फासला 1 से 1.6 सेंटीमीटर तक का रहता है। जो दूसरी बात इस स्नेक बाइट के बारे में अजीब थी वो ये कि सांप ने उत्तरा को 1 नहीं 2 बार काटा है, जबकि कोबरा ऐसा नहीं करते। पुलिस ने इस बात की जड़ तक जाने के लिए इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया और उत्तरा की जगह एक डमी को वहां लिटा दिया और कोबरा सांप मंगवाया गया। इस रिक्रिएटेड सीन में देखा गया कि सांप को जितनी बार उस डमी के पास छोड़ा जा रहा था वो फिसल कर फर्श पर आ जा रहा था। कई कोशिशें करने के बाद भी सांप ने इस डमी को नहीं काटा, बल्कि कमरे में एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया। इसके बाद पुलिस ने सांप को उसकी गर्दन से पकड़कर जबरदस्ती डमी के हाथ तक पहुंचाया और तब गुस्साए सांप ने उस डमी को काटा। इस बाइट के निशान उत्तरा की बाइट के निशान से हूबहू मेल खाते थे। मामला साफ था, ये एक हत्या थी, लेकिन सूरज के खिलाफ अभी भी पुलिस के पास सबूत नहीं थे। अब यहां से पुलिस ने सूरज की मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड हिस्ट्री और इंटरनेट हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। जांच में पता चला कि सूरज पिछले 2 महीने से यूट्यूब पर सांपों की वीडियोस को देख रहा था। इसमें सूरज ने कई तरह की वीडियोस देखी जिनमें से ज्यादातर कोबरा और रसल वाइपर सांप के बारे में थी। इनमें से एक वीडियो से सूरज को एक सपेरे के बारे में भी पता चला। पुलिस इस सपेरे तक पहुंची और इस सपेरे ने पुलिस को बताया कि कोबरा उसी ने सूरज को बेचा था। इतना ही नहीं, इससे 2 महीने पहले सूरज इस सपेरे को 10,000 रुपए दे के एक रसल वाइपर सांप भी ले गया था। अब गुत्थी कुछ पुलिस के सामने खुलने लगी थी। दरअसल बात यह थी
कि उत्तरा एक अच्छे और संपन्न परिवार से आती थी, जबकि सूरज के परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इनकी शादी के दौरान भी सूरज को उत्तरा के घर से बहुत सा सोना और एक कार भी दहेज के रूप में मिली थी। लेकिन सूरज को परेशानी ये थी कि उत्तरा मानसिक रूप से थोड़ी बीमार थी, जिससे उसे नई चीज़ें जल्दी सीखने में परेशानी आती थी। सूरज अपनी शादी से खुश नहीं था, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी को मारकर उसकी संपत्ति हड़पने के बाद एक दूसरी औरत से शादी करने का प्लान बनाया था। लेकिन सूरज की इंटरनेट हिस्ट्री और फिर इस सपेरे के बयान ने सब कुछ खोल कर रख दिया। इसके बाद पुलिस को उस कोबरा का शव भी सूरज के घर से बरामद हो गया। पुलिस को पता चला कि 2 महीने पहले सूरज एक प्लास्टिक के डब्बे में कुछ छेद करके रसल वाइपर सांप को घर पर लाया था। फिर उसने उसे कमरे में छोड़ दिया और उत्तरा को अपना फोन ले आने के बहाने कमरे में भेजा। उत्तरा ने सांप को कमरे में देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। यहाँ पर सूरज की पहली कोशिश नाकाम रही। इसके बाद अपनी दूसरी कोशिश में सूरज ने उत्तरा को खाने में नशे की दवाई मिलाकर पिलाई और फिर इस रसल वाइपर सांप से उसे कटवाया। इस सांप के निशान भी कोबरा के निशानों की तरह ही थे, यानी इस सांप के कटवाने के लिए सूरज को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन इस सांप के कटवाने के बावजूद भी उत्तरा जिंदा बच गई। और फिर सूरज ने इससे भी ज्यादा जहरीले सांप की तलाश में उस सपेरे से कोबरा खरीदा। कोबरा खरीदने के बाद सूरज इसे भी उसी तरह के डिब्बे में बंद करके 44 किलोमीटर दूर अपने ससुराल ले गया और रात को उसने उत्तरा के जूस में नशे की गोलियां मिलाईं और फिर इस सांप को उस पर छोड़ दिया। सांप ने काफी देर तक उसे नहीं काटा और फिर सूरज ने सांप के साथ जबरदस्ती की और उसे गुस्सा दिलाया। जब सांप ने उत्तरा को काटा तो सूरज को तसल्ली नहीं हुई और उसने दोबारा उत्तरा को उसी जगह कटवाया। लेकिन इन दोनों बाइट्स के बीच 2 मिलीमीटर की दूरी रह गई थी, जिससे पुलिस को इस दूसरी बाइट के बारे में पता चला। इसके बाद सूरज की गिरफ्तारी हुई। फॉरेंसिक टीम के कई लोगों ने गवाही दी। सबूत के तौर पर सूरज की सर्च हिस्ट्री, उसकी सपेरे से हुई फोन पर बातचीत और कई और सबूतों को पेश किया गया और आखिरकार कोर्ट ने सूरज को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये केस पुलिस के लिए हर तरह से चैलेंजिंग था, लेकिन वो पुराना हिंदी फिल्म का डायलॉग है ना, हर मुजरिम जुर्म करने के बाद कुछ ना कुछ सुराग तो छोड़ ही जाता है, वही इस केस में हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? क्या आपको ऐसी और भी कोई कहानी पता है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।